डीएसपी मोड़ा गड्डी बैठ रहे हैं भाई, विजिलेंस की टीम है जी, नाल बैठा के ले आ रही है। रंगे हाथ 30,000 रुपया फड़िया भाई। आ गड्डी है भाई PV13AX9797 ते डीएसपी मोड़ इहदे विच बैठा है। पंजाबी एकता चैनल देख रहे हो तुसी इस वेले दी वड्डी अपडेट। पंजाब विच भ्रिष्टाचार खिलाफ चल रही मुहिम तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बठिंडा जिले दे मोड़ विखे तैनात डीएसपी बलजीत सिंह ब्राण नू 30,000 रुपए रिश्वत लेंदिया काबू किया है। इस दौरान विजिलेंस ने उप डीएसपी दे रीडर मनप्रीत सिंह हेडफोन स्टेबल कोलों 1,00,000 रुपए दी रकम भी बरामद की है। इस रकम बारे वक्री जांच की जा रही है क्योंकि यह रकम भी रिश्वत वजो लई हो सकती है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया विजिलेंस ब्यूरो दे बुलारे ने दसिया कि मुलजिम पुलिस अधिकारी नू रविंदर सिंह की शिकायत ते गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दसिया कि रविंदर सिंह ने शिकायत की कि उसके पुत्र खिलाफ थाना बालियांवाली विखे एक झगड़े संबंधी शिकायत दर्ज हुई सी। उसने अपने पुत्र नू निर्दोष साबित करन लई SSP दफ्तर बठिंडा विखे दरखास्त दिती सी, जिस दी जांच DSP बलजीत सिंह ब्रा नू सौंपी सी। शिकायतकर्ता ने दोष लाया है कि उसने अपने पुत्र दी बेगुनाही साबित करन लई एक वीडियो भी पेश कीती, पर मुलजिम DSP ने उसके पुत्र नू क्लीन चिट देन बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांग ली। शिकायत दी मुढ़ली जांच उपरांत विजिलेंस ब्यूरो दी टीम ने ट्रैप लगा के DSP बलजीत सिंह ब्रा नू सरकारी गवाहां दी हाजिरी विच शिकायतकर्ता तो रिश्वत दी पहली किश्त वजो 30,000 रुपए लेंदे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दसिया कि DSP खिलाफ थाना विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा रेंज विखे FIR दर्ज की गई है। रविंदर सिंह वासी मोड़ वो कंप्लेंट की गई थी कि DSP मोड़ ने सबदिन मोड़ बलजीत सिंह सब तो 30,000 रुपए की रिश्वत मंगी थी बेटा ने बेगुनाह करने वास्ते मुकदमा तो अज उन्होंने रेड हैंड ट्रैप किया गया। 30,000 की रिकवरी उन्होंने DSP साहब तो रेड हैंड हुई है तो उस तो बाद जो लीडर है मन के वो खाते वो बैंक को भी 1,00,000 रुपया मिले पर वेरीफाई किया जा रहा है कि किस चीज़ के पैसे ने वो कहना भी मैं मज बेच के जो पैसे है वो लेके आया सीगा बारे वेरीफिकेशन कर रहा है। जो ये साड़ी कंप्लेंट सिर्फ DSP विजिलेंस मोड़ देते DSP सब डिविजन मोड़ देते रीडर उन्हें कंप्लेंट नहीं की रीडर ने रीडर के खिलाफ कंप्लेंट अच्छा रीडर तो वह पैसे मिले 1,00,000 कर दी हाँ जी वो वेरीफिकेशन कर कार्रवाई होगी उसे भी जेकर जेकर कोई इलीगल होया तो बिल्कुल होगी जे सही होया तो वेरीफाई करके छोड़ केस की सर जो झगड़े का केस बालियां थाने के परचा करके हो 323 जिन्होंने बच्चों नाम जो किया हुआ है वो 323 की रफ्त पाई गई है। इन्होंने पार्टी वालों 326 का परचा से क्रॉस केस है।